स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2019 के बारे में। जैसा कि मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड की थी उसमें ये बताया था कि जो आपके एप्लीकेशन स्टेटस है और जो मॉडिफिकेशन लिंक है RRB ग्रुप डी भर्ती 2019 का, वो रेलवे ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया गया है। जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं वो अपना, जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं, वो दोबारा से अपने फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर की जो फ़ोटो है वो अपलोड कर सकते हैं, अगर उनका इसकी वजह से जो है वो फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो। और दूसरा, साथ में जिनका एप्लीकेशन स्टेटस जिन्होंने नहीं देख पाए थे पिछली बार किसी कारण से, तो वो भी अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। किसी भी जो ओरिजिनल ग्रुप डी की वो है जोन है, जैसे RRB भोपाल, RRB मुंबई, किसी पे भी आप जाके चेक कर सकते हो, RRB चंडीगढ़, RRB अहमदाबाद। तो यहाँ पर मैंने RRB भोपाल की साइट ओपन कर रखी हुई है, तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से जो है वो आपका स्टेटस है वो चेक किया जाएगा, और जो मॉडिफिकेशन लिंक है वो भी किस तरह से आपका चेक करना है। स्क्रॉल डाउन करना है सबसे पहले आपने यहाँ तक, और नीचे अब यहाँ पर जो विंडो है इसमें नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। सिंपली मॉडिफिकेशन लिंक है ये, इस पर क्लिक करोगे आप तो आपको इस तरह के सामने जो है वो डैशबोर्ड ओपन होके आएगा। इस तरह का डैशबोर्ड होगा, तो इसमें एक साइड लिखा हुआ है लिंक फॉर ओनली चेक स्टेटस, दूसरी साइड लिंक फॉर मॉडिफिकेशन। ये पहला वाला स्टेटस जो है, पहला वाला जो टैब है, ये सिंपल आपको जो आप इसे ये पता कर सकते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो दूसरा जो है ये लिंक मॉडिफिकेशन के लिए, लिंक फॉर मॉडिफिकेशन मतलब आप कुछ उसमें बदलाव करना चाहते हैं, जैसा कि फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर का बदलाव। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे लिंक फॉर ओनली चेक स्टेटस, इस पर क्लिक किया हमने तो ये नेक्स्ट विंडो पे हमें ले जाएगा। नेक्स्ट विंडो इस तरह से है, तो इसमें सबसे पहले मांगा है इन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर आपका, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद जन्म तारीख आपकी, फिर सुरक्षा कोड ये जो होता है ये वाला। अगर आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है तो कोई डरने की बात नहीं है, इन्होंने यहाँ पर एक टैब दे रखा है, इससे आप अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी ले सकते हैं। फॉरगॉट पे जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर दोबारा से पता कर सकते हैं, अगर आपको बाय चांस जो है आप भूल गए हैं, आपने कहीं सेव नहीं रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं अपना, किसी भी कैंडिडेट का यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये डाल दिया मैंने, किसी कैंडिडेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर डाल रहा हूँ मैं। तो इसके बाद जो है वो डाल दिया यहाँ पर, और उसके बाद जो है वो आपको DOB मीन्स डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट करना है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर देता हूँ, तो सिंपल सा आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है और उसको सेट कर देना है। यहाँ से ये सेट का ऑप्शन है, सेट कर दिया, और नीचे जो ये कैप्चा लिखा हुआ है 93G6 यहाँ पर इसको डाल देते हैं, 93G6 ये डाल दिया सिंपल सा आपने। और उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना, सबमिट बटन पे आपने क्लिक कर दिया तो आपको इस तरह से जो है वो इंटरफेस सामने खुल के आएगा। ये लिखा हुआ आएगा इसको कि योर एप्लीकेशन इज़ प्रोविजनली एक्सेप्टेड, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो स्वीकार कर लिया गया है, आपका एप्लीकेशन जो वो स्वीकार कर लिया गया है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं थी आपके एप्लीकेशन में, मतलब आपका एप्लीकेशन जो वो एक्सेप्ट है। अब आपका एडमिट कार्ड आएगा जब भी आएगा। तो ये तो हुआ सिंपल सा तरीका। अब मॉडिफिकेशन वाले पे लिंक पे जाएंगे हम, तो इसे यहाँ से लॉग आउट करते हैं पहले, यहाँ से ये लॉग आउट कर दिया, और इसकी जो मेन होम पेज है उस पर वापस दोबारा से हम फिर से इसको बैक करेंगे। जैसे ही बैक करते हैं दोबारा से उसी RRB भोपाल के साइट पे क्लिक करते हैं इस पर, और वही स्क्रॉल डाउन नीचे करके इस लिंक पे क्लिक करेंगे। अब हम इसको मॉडिफिकेशन वाले टैब पे लेके जाएंगे, जो हम पे मॉडिफिकेशन वाला है ये यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इस मॉडिफिकेशन वाले लिंक पर, तो ये इस तरह से आपके सामने जो है वो खुलकर सामने आएगा, तो ये लिंक फॉर मॉडिफिकेशन, इस लिंक फॉर मॉडिफिकेशन यहाँ पर ये ब्लिंक कर रहा है टैब ये वाला, तो ये मॉडिफिकेशन के लिए लिंक है। तो इस पर हम अपना वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालेंगे ये वाला, और डेट ऑफ बर्थ वही जो पहले डाली थी, डेट ऑफ बर्थ हुई अपनी अकॉर्डिंग, अपने अनुसार जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आप फिल कर दीजिए।
और WRQD कैप्चा WRQD पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट, आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट करोगे तो ये आपको फिर से वही दिखाएगा योर एप्लीकेशन प्रोविजनली सिलेक्टेड। तो क्योंकि इस कैंडिडेट की जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है तो उसको वो दूसरे विंडो पे नहीं लेके जाएगा मॉडिफिकेशन वाली, अगर जिसका किसी का रिजेक्ट हुआ तो वो उसको मॉडिफिकेशन वाली लिंक पर ले जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका चेक करने का तरीका, जिस किसी ने भी चेक नहीं किया तो वो जल्दी से जल्दी अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर लें और तैयारियों में लग जाएँ, क्योंकि इस बार बहुत ही अच्छा चांस है ग्रुप डी में। अगर किसी को भी अभी नौकरी की बहुत ही अर्जेंट तलाश है दोस्तों, ये मौका हाथ से ना जाने दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी को जो है वो जानकारी मिल सके।